आइडिया 2022 एजुकेशन लैंडस्केप के बारे में है, ख़ास तौर पे जो NEP पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस की गई थी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ख़ास तौर पे उसकी जो कुछ खासियत है ब्लेंडेड पेडागॉजी, इंटीग्रेटेड करिकुलम और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। इस वजह से हमारी मेन कीनोट स्पीकर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त कैसे हर बच्चे के पास पहुँचो जो एक छोटे से गांव में है और उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। आज की समस्या ये है कि हम एजुकेशन को इम्प्रूव भी करना चाहते हैं और वो आखिरी बच्चे तक भी पहुंचना चाहते हैं गांव में, ये कैसे होगा। ऐसे इस पे चर्चा हुई है काफ़ी कि टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें और टीचर ट्रेनिंग भी यूज़ करें ताकि एजुकेशन हर तरीके से इम्प्रूव हो जाए। Happy to be part of this program. Now this is an ideation about the new education policy and how it has to be brought it down to the ground level to make implementation. And we are here to discuss about the policy in detail and what is happening so far and how to go about it by bringing the eminent speakers and experts and the field of education. And also interacting with the ground, the grassroots level, the change makers, and together we'll be deliberating on this topic. And thanks for the Banshidhar Ella Panda Foundation organizing this kind of ideation session here in Bhubaneswar. And this is not the happening place like in Delhi and Gurgaon or any other places kind of thing. And here this part of the country, and coming here to talk to the people, meet the people, listen to the people, and understanding about what is happening and how together we can make a difference. And this is the session once in a year the Ella Panda Foundation, they do it on different themes, and this year being the theme of education, and I am being part of SRF Foundation. We work across the country in different parts of the country with the different state governments, in the government schools, and here to share our experiences about how an NGO like Banshidhar Ella Panda Foundation or SRF Foundation, some other organizations also work in the field of education for promotion of quality education among the children and among the educators. जी, मैं उमा सेठ हूँ, फिक्की से सीनियर डायरेक्टर हूँ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती हूँ फिक्की में। और आज यहाँ हम लोग आईडिया 2020 जो बंसीधर एंड इला पांडा फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहे हैं, और बहुत खुशी के साथ बोलूँगी कि ये जो हमारा पूरा थॉट प्रोसेस है आईडिएट का, कई सालों से हम लोग ये साथ में कर रहे हैं और हर वर्ष हम एक अलग मुद्दा जो सोशल इम्पैक्ट का है उसको उठाते हैं। जैसे आज एजुकेशन है, पहले हमने हेल्थ पे और भी एरियाज़ में डिस्कशन किया है, जहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज और एक्सपर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनको साथ में लाते हैं और एक विषय को चुन के उस पर चर्चा करके कि उसका आगे का भविष्य कैसे कैसे हमने साथ में किया। तो आज जो है आईडिया 2020, इसका विषय है एजुकेशन और साथ में यू नो जो न्यू गवर्नमेंट का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसको कैसे यू नो हम आगे लेके जाएं, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में नहीं बट बहुत सारे रूरल स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके लिए ये क्या है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग यहाँ पर हैं और फिक्की और बंसीधर इला पांडा फाउंडेशन टुगेदर ये डिस्कशन कर रहा है, और आज हमारे यहाँ साथ में लगभग 100 से ऊपर लोग यहाँ पर हैं और एक्सपर्ट्स आए हुए हैं इस मुद्दे पे। और 2 घंटे का हमारा पैनल डिस्कशन है जिसमें हम NCERT से हैं और हमारे HCL फाउंडेशन के स्पीकर आए हैं एंड यू नो SRF फाउंडेशन के हैं। सो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कोविड के टाइम पे 2 साल जो है जो एजुकेशन को बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ, बच्चे घर पे थे और बहुतों के पास स्मार्टफोन्स नहीं था या ये नहीं था, तो कैसे एजुकेशन हम आगे लेकर गए। तो बहुत यूनिक मॉडल्स आज यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं कि कैसे अलग अलग फाउंडेशन या अलग अलग कंपनीज ने कैसे यू नो फ़ोन के ज़रिए से या कोई और यूनिक तरीके से बच्चों की पढ़ाई को ना रुकने दे के नए नए तरीके से वो आए। तो हालांकि कोविड एक बहुत ही मुश्किल का समय था सभी के लिए, लेकिन उसमें रहकर हमने कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखा, कैसे उसके वजह से एजुकेशन नहीं रुका, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो उसके बारे में आज यहाँ पे चर्चा होगी। और आगे भी जाके ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा आई थिंक हम लोग साथ में लेकर आएंगे। फिक्की जैसे आप जानते हैं बहुत ही पुराना
इंडस्ट्री चेंबर है 1927 का एस्टैब्लिश्ड, और हम खुद बहुत सारे सेक्टर्स और बिजनेस उद्योग के जो पॉलिसीज़ हैं और इश्यूज़ हैं उसको सामने लाते हैं, और CSR के माध्यम से भी हम लोग बहुत सालों से वेरियस सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, बी एट एजुकेशन और बी एट डिसेबिलिटी या विमेन एम्पावरमेंट या वेरियस मुद्दों को हम चर्चित करते हैं। तो आज भी यही एक हम लोग साथ में आके बात कर रहे हैं। थैंक यू मैडम।